नमस्कार दोस्तों, क्यों घंटी बजी में आज आपका स्वागत है। हमारे साथ श्री प्रकाश सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो 1959 बैच के ऑफिसर रहे हैं आईपीएस में, उत्तर प्रदेश कैडर से। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और शुरू करते हैं आपसे बातचीत, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही बेताब हैं आपसे मिलने के लिए। आप इतने बड़े पुलिस ऑफिसर रहे, अलग अलग स्टेट्स के साथ आपका संबंध रहा, काम किया आपने इतना, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने कैरियर को कैसे देखते हैं। क्या आज जहां आप हैं इस उम्र के इस पड़ाव में और इतना काम करने के बाद, क्या आप संतुष्ट हैं अपने काम से या अपने कैरियर से, उसके बारे में कुछ बताइए। 35 साल की पुलिस की मेरी नौकरी रही जी, और ये नौकरी काफ़ी संघर्षमय वातावरण में बीती। कुछ मेरी किस्मत कहिए या बदकिस्मती कहिए, जहाँ जहाँ देश में मतलब विकट समस्याएं हुई, वहाँ वहाँ मेरी पोस्टिंग अपने आप होती रही। पता नहीं कैसे होती रही, मैंने तो मैं ऐसी पोस्टिंग भला क्यों मांगने लगा, पर सरकार मुझे ऐसी जगह भेजती रही। अभी नौकरी शुरू नहीं हुई थी कि मैं नागालैंड पहुँच गया। नागालैंड जब गया तो उस समय वहाँ के हालात इतने ख़राब थे कि मतलब मेरे दोस्त जो मुझसे विदा, जो मुझको फेयरवेल दे रहे थे, मुझको ऐसे देखते थे जैसे अब तो आखिरी मुलाकात है, अब तो पता नहीं नागालैंड लौटेगा या नहीं लौटेगा जी। इन हालात में मैं नागालैंड गया, वहाँ पे इंसर्जेंसी पीक पे थी। उसके बाद जब पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था, तो मेरी वहाँ बुला के कहा गया कि भाई हम लोगों ने तय किया है कि तुम वहाँ जाओ, क्योंकि हम तुम्हें उसके लिए योग्य समझते हैं। हालांकि उस समय मैं बीएसएफ में शायद जूनियर मोस्ट आईजी था, अभी नया नया बीएसएफ में गया था, पर डीजी ने कहा नहीं, मैं पंजाब में ज़रूरत है और तुम वहाँ जाओ। इस तरह पंजाब चला गया। तो पर मैंने देखा कि जितने ही मुश्किल क्षेत्र थे, जितने ही कठिन समस्याएं थी, मुझे उस काम में उतना ही आनंद आया, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो मतलब एक ऐसे क्षेत्र को जहाँ विद्रोह है और लोग एक बगावत का झंडा लेके खड़े हैं, उस बगावत को ख़त्म करने के लिए और उस क्षेत्र को भारत से जोड़े रखने के लिए मैं अपना थोड़ा सा योगदान तो कर ही रहा हूँ, और इस बात का मुझे बड़ा संतोष था, और यही मेरे लिए एक मोटिवेशन बना। इस तरह से मेरी नौकरी बीतती चली गई, और ऐसे DGP UP रहा। तो DGP UP रहा तो भी मैंने अपने आप से कहा, देखो प्रकाश, तुम हिंदुस्तान के सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश के DG हो रहे हो। उस समय वहाँ की आबादी करीब 14 या 15 करोड़ थी। मैंने कहा 14-15 करोड़ लोगों की जान माल की सुरक्षा, उनकी इज्जत की सुरक्षा, ये तुम्हारा दायित्व है। उनकी एक्सपेक्टेशंस जी, अगर तुम दिन रात एक कर दो तो देखो ये लोग सब लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे और प्रदेश में पुलिस का नाम अच्छा होगा। तो फिर मैं जान लगा के काम किया। मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि कब मुझे आराम करना है, कब क्या करना है। तो मेरा तो देखिए, मैंने तो ये 35 साल की नौकरी बड़े अच्छे से बीती, और मैं तो जब IPS प्रोबेशनर्स को संबोधित करता हूँ, एड्रेस करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे अगर फिर से नौकरी शुरू करनी हो तो मैं IPS में फिर से शुरू करूँगा। क्या बात है। और अब तो मैं कहता हूँ, देखो तुम्हें एकेडमी कितनी बढ़िया जगह हो गई हैदराबाद में। हम लोग तो एक टूटे ही जगह में माउंट आबू में रहते थे, एक जगह जो घुड़साल जैसी थी, वहाँ मैस बना हुआ था, मैस में रहते थे, और कहीं समतल जमीन नहीं थी, घोड़ा दौड़ाने को बड़ी मुश्किल से घोड़ा दौड़ाने को जगह मिलती थी। इन सब मुश्किल के बावजूद हम लोगों ने वहाँ से ट्रेनिंग किया, तुम तो इतनी शानदार जगह नेशनल पुलिस अकेडमी बनी है। तो मैं तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए और IPS में फिर से ज्वाइन करने के लिए और देश में फिर से सेवा करने के लिए, मैं तो अगर मेरा पुनर्जन्म हो, मुझसे कोई चॉइस ले, तो मैं फिर से पुलिस का ही करियर चुनूंगा। पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, पूरा संतोष है। और ठीक है, तकलीफ हुई, बहुत से ऐसे समय आए जब मुझे बहुत एक मानसिक व्यथा हुई, परंतु वो सब ईश्वर के आशीर्वाद से वो सब समय अच्छी तरह से निकल गया। अभी आपने कहा कि आपको ऐसे अलग अलग जगह पे तैनात किया और बड़ी मुश्किल वाली जगह पे, तो वो किसी भी आदमी को ऐसे ही तैनात नहीं किया जाता सर, उनकी योग्यता को देखते हुए, और आप उस काबिल थे, उन्होंने आपको काबिल समझा कि ये यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नवीन जी सर एक चीज बताएं, आपके करियर के साथ हमेशा ईमानदारी का बैच क्यों लगा रहता है? ईमानदारी का बैज तो जो है उसी का बैज लगेगा। मैं कोई बैज लगाता तो नहीं फिरता हूँ, पर लोगों ने जो मुझे देखा कि भाई इनको कोई किसी बात के लालच नहीं है और ये खाली अपने काम से काम की बात करते हैं,
और बड़े से बड़े मतलब कई लोग ऐसे आए। अब जैसे एक छोटा सा किस्सा बता दें, मैं डीजीपी यूपी था, गोरखपुर से 5-6 आदमी सोचे थे कि भाई डीजी साहब के पास चला जाए, तो लोगों ने कहा भाई वो उनके पास क्यों जा रहे हो, तो किसी की सुनते ही नहीं। तो पर किसी ने कहा भाई देखो अगर उनको समझ में आ गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पहले तो सोच रहे थे किसी की पैरवी कराए, किसी को नेता को ले जाए, कोई जर्नलिस्ट को ले जाए, मगर भाई किसी को मत ले जाओ साहब, कोई सिफारिश करने से वो भड़क जाते हैं, अगर उनको समझ में आ जाएगा तो वो काम कर देंगे, और नहीं समझ में आएगा तो कोई उनसे काम नहीं करवा सकता, ये समझ में क्या बात है। वो लोग आए मुझसे मिले और 5-6 आदमी थे, मैंने उनकी बात सुनी, उसके बाद मैंने तुरंत पुलिस मुख्यालय फ़ोन किया, वहाँ से फीडबैक लिया, और मैंने कहा देखिए आपकी बात मैंने सुन ली, अब जरा मैं इसका सत्यापन करूँगा, मैं पता लगाऊंगी सच्चाई क्या है, आप तब तक जाइए वेस्टर्स रूम में, फिर से बैठिए आधे घंटे में सब काम हो मुझे मालूम हो जाएगा। तो आधे घंटे मैंने सब पता कर लिया, और उन्होंने मुझे लगा कि उन्होंने जो बात कही है सही है, तो उनको मैंने फिर से बुलाया और मैंने कहा कि आपका ऑर्डर में आपका काम हो गया, आप जाइए घर जाइए। वो बेचारे जब तक घर से बाहर निकले तब तक उनको मतलब हमारे दफ्तर से बाहर निकलते उनको फोन आने लगे भाई ये तो काम हो गया और यहाँ हुक्म भी पहुँच गया। तो मतलब किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी यही ख्याति थी कि भाई जिनको समझ में आ जाएगा तो ये काम हो जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप नेता को ले जाइए, जर्नलिस्ट को ले जाइए, ये काम नहीं करने वाले आदमी हैं, इनके ये जरा इस माने में सिर फिरे हैं, ये किसी को सुनते नहीं है। कमाल सर, आपके करियर में सबसे रोमांचक कार्यकाल कौन सा था? कार्यकाल सबसे रोमांचक तो मैं समझता हूँ पंजाब का कार्यकाल था। अच्छा, वो 1987 से 1991 तक 4 साल तक काफी पंजाब रहा। मुझे भेजा तो गया था कि 2 साल के लिए जाओ ठीक है, पर वो ऐसा है कि 2 साल में काम करता रहा, कोई आने को तैयार नहीं था, और लोगों ने देखा ये बलि का बकरा ठीक है काम किए जा रहा है, शिकायत भी नहीं कर रहा है, यहाँ से निकाल दीजिए 2 साल के बाद। तो मुझे ये लगता था कि मैं ये कैसे कहूँ कि साहब मुझे हटा लीजिए, लोग समझेंगे शायद ये डर गया, भाई अपने आप जब हटाएंगे तो हटाएंगे। 2 साल का 3 साल हो गया, 3 साल का फिर ये हुआ कि भाई अब तो इसकी तरक्की भी हो गई, अब तो तरक्की दे के उन्होंने मतलब पहले IG के बजाय एडिशनल DG पोस्ट पर भी वहीं बना के रखा, 4 साल भी हो गए, फिर भाई तो 4 साल हो गया। सरकार ने भी सोचा, तब तक सरकार को इत्तेफाक से आसाम में एक ऐसे अफसर की जरूरत पड़ी जो आसाम काट करना हो और जो सख्ती से उल्फा का दमन कर सके। तो भारत सरकार का ये था प्लान कि आसाम में इलेक्शन कराना, और उल्फा ने कहा था कि हम इलेक्शन होने नहीं देंगे। भारत सरकार बड़ी घबरा गई कि भाई इलेक्शन होने नहीं देंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो उनसे किसी ऐसे सख्त अफसर को भेजे जो उल्फा को उनको ठिकाने लगाए और इलेक्शन करवा दे। तो इसलिए मुझे फिर आसाम भेजा गया कि भाई देखो आसाम का अफसर आसाम में सख्ती नहीं कर पाएगा, तुम बाहर से जाओ, और तुम्हें आतंकवाद का काफ़ी अनुभव हो चुका है, और चार साल भी तुम्हारे हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे खुद बुलाया और कहा कि तुम आसाम जाओ, हालांकि मैंने कहा कि साहब आसाम मेरा काडर नहीं है, आदमी DGP वहाँ बनता है जहाँ का वो काडर, जिसे काडर होता है ताकि वहाँ के अफसर आपको जानते हैं, वहाँ की जनता आपको जानती है, ये मुझको तो आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो उनका नहीं, वो सब बात हम मैंने सोच ली है, पर तुम ही उसके लायक ठीक हो, तुम जाओ वहाँ। तो खैर गया मैं वहाँ, मैंने मतलब लोगों का विश्वास कैसे जीता, लोगों की लॉयल्टी कैसे ली, वो एक अलग किस्सा है, पर यह है कि उन मतलब मैं चार ही महीने रहा वहाँ आसाम में, और इलेक्शन हो गए शांतिपूर्ण ढंग से हो गए, और बड़े तजुब की बात है एक गोली नहीं चली। उसके बाद पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई, तो लोगों ने कहा भाई आप बड़ी जल्दी अपने सब इलेक्शन करवा दिया, इतना अच्छा काम है, थोड़े दिन और रह जाइए। तो मैं बेमन से अब रह गया, पर वहाँ जो मुख्यमंत्री आए उनसे मेरा महीने भर में ही झगड़ा शुरू हो गया। कमाल, उन्होंने दो ऐसे काम किए जो मुझे नागवार लगे। पहली बात तो उनका ऐसा लगता है कि कुछ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग थी उल्फा से, तो वो जैसे ही सत्ता में बैठे उन्होंने उल्फा के कैदियों को छोड़ना शुरू कर दिया, करीब 250-300 लोगों को छोड़ दिया। मैंने पूछा भी लोगों को गिरफ्तार करने में आसाम पुलिस ने जान लगा दी अपनी, और सालों लग गए इनको गिरफ्तार करने में, आप इनको एक कलम चला के इनको 250-300 आदमी को छोड़ दिए, अब ये कल को फिर से ये हिंसा की घटनाएं करेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और फिर हम इनके पीछे भागते फिरें, और आपने हमसे तो कंसल्ट किया नहीं। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि जो DG है वो हमारे काम पे उंगली उठा रहा। फिर वो दरगाहों की पोस्टिंग में भी उन्होंने अनाप शनाप चाहते थे सब हो जाए। मैंने कहा देखिए साहब, जब तक मैं DG हूँ तब तक तो मैं नहीं करूँगा, आप मुझे रिलीव कर दीजिए, आप अपने पसंद का DG बैठा लीजिए, उसके बाद जो मर्जी हो करिए, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। मैंने चिट्ठी लिख के दे दिया कि
आई वुड लाइक टू बी रिलीव्ड ऑफ द पोस्ट ऑफ डीजीपी अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। मैंने कहा डीजीपी के पद में मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैंने ऐसे परिस्थिति में नहीं कहा। तो उन्हें भी लगा कि चलो अच्छा इस बला से जान छूटी, ये आदमी हमारे बात को सुनता है। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपने खुद ही चिट्ठी लिख के दिया है कि हमको रिलीव कर दिया, तो रिलीव कर देते। हालांकि रिलीव के बाद थोड़े दिन तक मैं अनएम्प्लॉयड सा रहा, कोई मतलब कुछ न सेंटर में कोई जगह न स्टेट में कोई जगह, पर ईश्वर की मर्जी है। तब तक एक दिन एकदम से यूपी गवर्नमेंट का फोन आया कि साहब, सर्किट हाउस में मैं था, वही फोन आया, नहीं पुलिस में इसमें था, तो फोन आया कि साहब आपके लिए फोन है यूपी निवास से। मैं गया, मैं यू कौन पता नहीं यूपी निवास से कौन बोल रहा, तो मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, कल्याण सिंह। श्रीमान नमस्कार, बताइए क्या आदेश है उनका। मैं हम लोगों ने तय किया है कि आपको उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया जाए। मेहरबानी, ठीक है। तो फिर मैंने स्वीकार किया और वो ईश्वर की दया से फिर मैं डीजीपी बन गया। पर ये पंजाब का कार्यकाल सबसे रोमांचक रहा, सबसे ज्यादा खतरे वहाँ हुए, सबसे ज्यादा मुचेटा मतलब आतंकवादियों से लिया, उन लोगों ने भी मेरी हत्या के लिए फरमान निकाला, एक ऑर्डर निकाला, पंजाब पुलिस ने मुझे उसकी कॉपी भेजी कि सब आपके ऊपर मतलब कुछ भी हो सकता है, हत्या का प्रयास होगा, आपके बच्चों को किडनैप किया जाएगा, ये सब उन्होंने लिखा। और एक जगह उन्होंने कोशिश किया भी एम्बुश, मतलब एम्बुश मेरे लिए लगाया, वो कैसे एम्बुश से बचे वो सब लंबा किस्सा है, पर यह वो बड़ा रोमांचकारी पीरियड रहा। मतलब रोज रोज खतरा, रोज रोज मजा भी आता था, मतलब लड़ने में पता नहीं। अब तो अब वो तलवार की लड़ाई तो बंद हो गई, घोड़े पे बैठ के लड़ाई बंद हो गई, खतरों के खिलाड़ी रहे। पुराना राजपूती खून कहीं था, जितने खतरा वो उतना ही मजा आता था। सिंह साहब, काम करते हुए और खास तौर से ईमानदारी से काम करते हुए काफी अड़चने आती हैं। उन अड़चनों में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है। घर का प्रेशर से मतलब कि जैसे आपके साथ जुड़ी हुई जितनी भी जिंदगियां हैं उनका, तो आप उन सबको कैसे हैंडल करते थे, कैसे उसको लेते थे कि भाई हाँ ये भी है, ये भी है, यह भी है। वो ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन चीज थी, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको कहा कि नहीं डटे रहना है और ऐसे नहीं, इसको इस तरह से किया जाना चाहिए। देखिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर की तो बात मैं बता दूं, और जो डोमेस्टिक प्रेशर था वो कभी नहीं था। उसके दो कारण थे, एक तो हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे थे, और दूसरी बात हमारी पत्नी से, मैं पत्नी से कभी अपने सरकारी काम की बात ही नहीं करता था। और जब बहुत मुसीबत में पड़ता था तो अपनी मुसीबत को अपने पास ही सीमित रखता था, उनको शेयर नहीं करता था। अब नागालैंड में एक समय ऐसा था कि 4 महीने तक मेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा था, और मतलब नागा विद्रोहियों ने ये कहते कि इनकी तो हत्या करनी है। तो मुझे मालूम था उनको ऐसा उनका प्लान है, पर मैंने अपने पत्नी से कभी नहीं बताया। और ये जितने प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो सब लिया। वो जरूर परेशान रहती थी कि ऐसा हो क्या रहा है, अभी तक तो आप बड़ी शांति से रहते थे, अब कुछ समय बदल गया है, कहीं कभी कोई गार्ड आ जाता है, कभी आप रात के अंधेरे में टूर पे चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं कहाँ जा रहे हैं, और मुझसे कह देते हैं कि मत बताना कहाँ जाना है वगैरह वगैरह, ये सब हो क्या। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है ऐसे ही। तो वो भी ज़्यादा खैर खोद विनोद नहीं करती थी, और मैं डोमेस्टिक प्रेशर तो कभी नहीं हुआ। अब रहा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर की बात, तो देखिए पॉलिटिकल प्रेशर तो और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर तो मैं खुद ही झेलता था अपने स्तर पे। और देखिए मैं ये मानता हूँ कि आप जिस दिन नौकरी शुरू करते हैं एएसपी के तौर से, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पुलिस, उस दिन से आप जैसे होता ना एक मकान बनता है तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट, दीवार खड़ी होती जाती है, इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये स्ट्रक्चर आपकी आपकी आपके रेपुटेशन का होता है कि आदमी है कैसा। तो वो धीरे धीरे करके ये रेपुटेशन बन गई थी कि भाई ये आदमी दबाव में नहीं काम करेगा, और आप इसको निकालना चाहे निकाल दीजिए, वो निकलने को और कुर्सी छोड़ देगा, और पर इस पर दबाव मत डालिए। ये एक ख्याति बन गई थी। तो बहुत से लोग तो मुझ पर दबाव डालते ही नहीं थे, और जो लोग दबाव डालते थे फिर वो जानते थे कि अब देखा जाएगा क्या होगा। तो वो दबाव मेरे ऊपर पड़ते थे, मतलब तीन बार ऐसा हुआ जब दबाव बहुत पड़ा। एक बार मेरठ में दबाव पड़ा तो निकाला गया, मैं मेरठ से बड़ी बेइज्जती से निकाला गया। बेइज्जती से निकाला गया, और ये हुआ कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, पर सस्पेंशन सस्पेंशन होने नहीं दिया, वो एक लंबा किस्सा है, सस्पेंशन का ऑर्डर इशू नहीं हो पाया। तो और सस्पेंशन का ऑर्डर भी कहाँ से आया था आप जानते हैं, यूपी गवर्नमेंट से नहीं आया था। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चीफ मिनिस्टर यूपी कहा कि प्रकाश सिंह को सस्पेंड कर, बावजूद उसके मैं सस्पेंड नहीं हुआ, क्योंकि वो ईश्वर का आशीर्वाद था कि तुम्हें सस्पेंड नहीं होना है।
किस्सा लंबा है, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो वो पहला झटका था कि भाई देखो ईमानदारी से काम करने का मुझे ये सिला मिल रहा है। दूसरा फिर डीजीपी आसाम मैंने देखा कि भाई ये तो अजब हाल है, यहाँ पे मतलब ये मतलब ऐसी परिस्थितियां मुख्यमंत्री बना रहे हैं कि मतलब डीजीपी काम ही नहीं कर सकता, मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो वो दूसरा सेटबैक था। तीसरे सेटबैक यूपी में हुआ, जबकि एक तरफ तो अभी मतलब जिस तारीख को मैं हटाया गया उसके 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने खुले मन से लखनऊ में घोषणा की कि हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे कार्यकाल का रहा है वो है लॉ एंड ऑर्डर। क्या बात, सबसे बड़ा अचीवमेंट, हमने मतलब हमने माफिया को ध्वस्त कर दिया। माफिया को उन्होंने क्या ध्वस्त किया, आज तो योगी जी कर रहे हैं, वो उस जमाने में तो मैंने किया था यूपी में। सबसे पहले माफिया का विरुद्ध कैंपेन यूपी में चला था मेरे नेतृत्व में। तो माफिया ध्वस्त हो गया है और उन्होंने जैसे वो कहते थे भय मुक्त समाज हमने बना दिया। और उसके 3 दिन बाद मुझे हटा भी दिया। हटाने के कारण प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर था उनके ऊपर, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर था आईएएस लॉबी का कि इनको हटा दिया जाए। होम सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर दोनों चाहते हैं इनको हटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने देखा डीजीपी इतना पावरफुल हो गया है, किसी की सुनता नहीं है, वही जो इसको समझ में आता है करता है, जो इसको सही लगता है वही करता है, और हम लोग जो लिखते हैं उसकी बात उसको नकार जाता है। तो आईएएस लॉबी मेरे पीछे पड़ी थी कि इनको हटाया जाए। इन्होंने फिर उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ने मिलकर इतना दबाव डाला कि फिर मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री भी कुछ कारणों से मुझसे वो कारण राजनीतिक थे, मतलब यूपी से जो मैं हटा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल दोनों ही रीजन थे। कोई मेरी कार्य क्षमता पे कोई सवाल नहीं था, बल्कि इंडिया टुडे ने उसके बाद जैसे ही मैं हटाया गया, इंडिया टुडे ने लिखा कि प्रकाश सिंह का हटाना मतलब माफिया को यूपी में फिर से उसमें उसमें जान पुनर्जीवित करना उसको दोबारा। और ये किसी अखबार ने लिखा दिस इज नॉट डन कल्याण सिंह, दिस इज नॉट डन मुख्यमंत्री के लिए लिखा। आप कल तक तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा अचीवमेंट है और आज आप उसको हटा। तो बड़ा काफी तूफान मचा था। और फिर उस तूफान का ईश्वरीय न्याय हुआ। मैं 4 महीने छुट्टी पे रहा और उस बीच में फिर बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते गए, और अयोध्या में जो विवादित ढांचा था वो गिरा दिया गया। उसके बाद प्रदेश में दंगे होने लगे, हिंदुस्तान भर में दंगों की आग फैल गई, और फिर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया। फिर एक केंद्र ने कहा भाई किसी ऐसे डीजी को बुलाओ जी ये सर मामला तो शांत करे और स्थिति को नियंत्रण में लाए। तो केंद्र ने फिर से कहा भाई प्रकाश सिंह को वापस बुलाओ। तो फिर मैं डीजीपी फिर तैनात हुआ और स्थिति को बहाल किया मैंने। सर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी शायद 2006 में। तो उस वो 2006 में 1996 में सॉरी 2006 में जजमेंट आया था। अच्छा सॉरी सर 1996 में जो आपने जनहित याचिका डाली थी और जो जजमेंट आया है 2006 में, तो इसके बारे में सर हमारे सुनने वालों को बताइए कि आप बीइंग अ पुलिस ऑफिसर व्हाई डिड यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, इसके आसपास का क्या क्या मामला रहा? देखिए मैं 35 साल की नौकरी में मैंने ये देखा कि जब भी मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और ज्यादा जोश से एक क्रूसेडिंग स्पिरिट से काम करता हूँ तो मेरा टकराव हो जाता है, और टकराव हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट से, टकराव हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ और मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मैं कहा भाई ये क्या अजीब हाल है, अच्छे से काम करो, जोश से काम करो, एक मिशनरी जील से काम करो तो मतलब एस्टेब्लिशमेंट से टकराव हो जाता है। तो मैं अब वो टकराव वो मेरठ में हुआ, टकराव यूपी में हुआ, आसाम में हुआ, और छोटे छोटे और कितनी वारदात हुई। तो मैंने देखा कि भाई इस सिस्टम में कुछ समथिंग, देयर इज बेसिकली समथिंग रॉन्ग, ये तो सिस्टम ऐसा क्यों है कि ईमानदार आदमी के पीछे पड़ जाता है। एक बार होम सेक्रेटरी यूपी के थे उनसे मेरी बहस हो रही थी, भाई आप लोग ऐसे क्यों करते हैं भाई आप, मतलब कुछ बहस होती जा रही थी। अच्छा होम सेक्रेटरी बड़े ईमानदार आदमी थे, आईएएस अफसर थे, मुझसे सीनियर आदमी थे, और मैं उस समय डीआईजी ही था। तो उन्होंने देखा कि प्रकाश सिंह को हम कुछ समझा रहे हैं ये समझ नहीं रहे हैं, ये उन्हें जोश में बोले जा रहे हैं। तो वो उनका नाम था श्याम सिंह बिसेन, आईएएस अफसर बड़े ईमानदार थे। तो उन्होंने फिर जब देखा कि नहीं समझ में आ रहा है तो उन्होंने अपना एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वो वाक्य क्या था उनका, प्रकाश लेट मी टेल यू समथिंग। मैंने कहा यस सर, हु वॉन्ट्स एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। मैं उनकी बात सुन के एकदम भौचक रह गया, कह क्या रहे हैं, तो तुम ईमानदारी की बात कर रहे हो, बट हु वॉन्ट्स एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। हर आदमी चाहता है पुलिस ऑफिसर मेरा काम करे, मेरा गलत काम को लिपापोती करके ठीक कर दे, और दूसरे आदमी चाहे सही हो या गलत हो अगर हमारे विरोध में है तो उनको बंद करे, ये चाहता है सरकार इस तरह चाहती है। तो हु वॉन्ट्स एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, एवरीवन वॉन्ट्स ए पुलिस ऑफिसर हु विल एक्ट एज पर हिज पोलिटिकल एजेंडा।
मुझे बड़ा झटका लगा कि भाई ये क्या बात है, ये हु वांट्स एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, बट फिर तो पुलिस सर्विस से हम कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं और कैसे हम रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेंगे, ये तो बात ठीक नहीं है। तो कुछ जो गलतियां हैं हमारे सिस्टम में, गलतियां क्या हैं, फिर मैंने सारी नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट और मालिमत कमेटी की रिपोर्ट, जितनी पुरानी रिपोर्ट थी सब पढ़ा ली। फिर मैंने कहा इसका देखो, सर्विस में तो मैंने पूरी कोशिश की, जहाँ तक हो सकता था चीफ मिनिस्टर के पास जाते थे, कहते थे बात, पर वो सब लोग वो सारे प्रयास विफल हो जाते थे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसको काट देती थी। मैंने कहा कोई दरवाज़ा बचा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बचा है। तो फिर मैंने एक डेढ़ साल में ये सब स्टडी करके फिर मैंने सारे कमीशन की रिपोर्टों का लबो लबाव एक अपने पिटीशन में बनाया और पाँच प्रेयर्स की हमने, हमने कहा कि भाई ये प्रेयर हमारी थोड़ी सी प्रेयर्स है और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तो पहले तो हम आप ये हो गया, आपने पिटीशन तो बना दिया, अब एडवोकेट ढूंढिए। अब एडवोकेट के पास मैं जब गया तो मैं ये हुआ सवाल है, तुम पैसा देके तो मैं केस लड़ नहीं सकता, मेरे पास तो फालतू पैसे नहीं मैं तुम ऐसा वकील ढूंढो जो पैसे ना ले। तो प्रशांत भूषण लोगों ने कहा, तो मैं उनके पास गया, उनके पास गया तो वो साहब पहले तो पुलिस के बड़े विरोधी थे, क्या मैं आपके पिटीशन नहीं लूंगा, पुलिस तो बिल्कुल गलत काम करती है और पुलिस को तो आप जो ऑटोनॉमी दिलाना चाहते हैं वो तो फिर और गलत हो जाएगा। मैंने कहा ये अजीब बात है। फिर उनसे दो तीन सेशन हुए, मैंने उनको खूब समझाया कि देखिए पुलिस जो गलत काम करती है वो किसी परिस्थितियों में काम करती है, वो परिस्थितियों को हमें उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है, उसका हमें निदान करना है। वो परिस्थितियां हट जाएंगे तो पुलिस अपने आप ठीक काम करेगी, कम से कम जो सर ईमानदार है वो ईमानदारी से काम करें। जब उनको बात समझ में आ गई तो वो राजी हो गए। तब इस तरह से पिटीशन फाइल हुआ, 10 साल तक चलता रहा। शुरू में तो पुलिस अफसर बड़े जोश में थे कि बाकी मेरे सहयोगी लोग कि भाई ये देखो किसी ने तो, जिसे कहते हैं टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, इन्होंने कुछ तो मुचवटा लिया सरकार से। पर उन्होंने 3-4 साल बाद देखा कि कुछ होना हवाना है नहीं, ये प्रकाशिंग बेकार अपना दीवार से सिर ठोंक रहे हैं, कोई इनका इनका समय बर्बाद होगा, कुछ नहीं होना। अब मेरे स्वभाव में यह है कि भाई जो काम मैंने शुरू कर दिया हो, मैं जानता हूँ ये काम सही है, तो वो काम मैं छोड़ नहीं सकता। अब ठीक, अब शुरू कर दिया, अब मैं गलती थी सही जैसा मैंने शुरू कर दिया, तब तो आगे बढ़ना है। तो मैं लगा रहा अकेले लगा रहा, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। और फिर आखिर में भगवान की बड़ी दया हुई, मतलब 2006 में जजमेंट आ गया। 2006 में जजमेंट आया, मैंने जो कुछ कहा था सब कुछ अक्षरशः पूरे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो ये तो मैं कहता हूँ ईश्वर की दया है। अब ये है कि वो जजमेंट लागू करने के लिए तो फिर ये तो स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है, स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब भारतीय संविधान में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स हीला हवाला कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट थोड़ा दबाव डाल रही है, थोड़ा हम लोग NGOs के द्वारा प्रेशर डलवा रहे हैं, कहीं स्टेट गवर्नमेंट में कुछ पिटीशन डाल, स्टेट हाई कोर्ट्स में डाल, इस तरह से लड़ाई चली जा रही है। अब लड़ाई जो है वो सुधार के आदेशों के लागू कराने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो लड़ाई चल रही है। अब देखिए कितने साल चलती है। अब मैं तो इसीलिए मैंने अभी हाल में किताब लिखी कि भाई देखो अभी तक का जो प्रयास है वो इस किताब में इसका इसकी समरी बना दी गई है। किताब में सर आपकी किताब, हाँ किताब ये है, ये है किताब मेरी सब बीच में थोड़ा सा साइड इस तरफ से, इस तरफ जी जी, स्ट्रगल पुलिस फॉर्म्स इंडिया, The struggle for police reforms in India. The struggle for police reforms in India. Reforms in India. Oh, wonderful. बहुत खूबसूरत सर, beautiful. तो ये किताब छपी है, इसका वेंकैया नायडू साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट महोदय ने इसका अभी रिलीज किया है 8 मई को, और बम्बई में भी नेहरू सेंटर में भी इसके ऊपर बुक डिस्कशन हुआ है, और अभी आने वाली 14 जून को हैदराबाद में भी इस पे एक प्रोग्राम है। तो बहुत बहुत बधाई सर, काफी चर्चा हो रही है। और जी। मतलब बहुत लोगों ने, मतलब जजेस ने और सीनियर एडवोकेट्स ने, पुलिस ऑफिसर्स ने, आईएएस ऑफिसर्स ने, जर्नलिस्ट ने इसकी बड़ी तारीफ की है। जैसे जीके पिल्ले साहब जो होम सेक्रेटरी, उन्होंने लिखा था, दिस इज सेमिनल बुक ऑन पुलिस एंड पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, वर्चुअल टूर डी फोर्स स्पैनिंग 2 सेंचुरीज, ए मस्ट रीड। इस तरह से नरीमन साहब ने, जूलियो रिवेरो साहब ने, लाहौटी साहब चीफ जस्टिस ने, शेखर गुप्ता जर्नलिस्ट ने, सब ने इसकी तारीफ की है। जी बहुत बहुत बधाई हो सर। मैं एक पारिवारिक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे पिताजी मेरे पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल रिटायर हुए, तो जो मेरे बड़े भाई साहब से, पिताजी ने चाहा कि मेरे बच्चे भी, मतलब बड़े भाई साहब भी इस सर्विस में जाएं, पुलिस सर्विस में, क्योंकि उनको काफ़ी लगाव था देश से अपने सेवा देने में और काम करने में। पर बड़े भाई साहब नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पिताजी को परेशान होते हुए देखा, चाहे वो नौकरी से या जो भी प्रेशर था काम करने का उस वक्त का, और जो भी घटनाएं हुई। तो
आपके संबंध में ऐसा कैसे रहा, आपके बच्चे इस काम में आए आपको देख के, कैसे क्या रहा वो, उनकी जरा बात बताइए प्लीज। मैंने देखा बहुत परिवारों में लोग जिस नौकरी में रहते हैं घर में रोज उसी की बुराई करते हैं, ये मैंने कई जगह देखा कि ये नौकरी बिल्कुल बेकार है। अब बच्चे भी सुनते सुनते फिर उसे तंग आ जाते हैं और उस नौकरी, मैंने देखा कई अच्छे अफसरों को देखा है कि उन्होंने इतनी अपने नौकरी की बुराई की कि उनके लड़के बिजनेस में चले गए, वो सरकारी नौकरी में गए ही नहीं, अब आते या नहीं आते पर कंपटीशन में ही नहीं बैठे। मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं, अब आप मुश्किल काम करिएगा तो दिक्कतें तो आएंगे ही। आप मतलब जिंदगी में आप चाहते क्या है, कुछ लोग असल में चाहते हैं कि लाइफ में एक एयर कंडीशन जर्नी हो, मतलब आराम से नौकरी कर लिया, अब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, खतरा उठाने की बात, या दूसरे लोग और हैं जो कहा जाता है उन्हें भगत सिंह इस देश में होने चाहिए पर पड़ोसी के घर में हमारे तो मैंने ऐसी बातें घर में कभी नहीं की, पुलिस की बुराई कभी नहीं की, और पुलिस को हमेशा ये माना कि देश सेवा का एक अच्छा माध्यम है, मैंने इसको ये माना और मैंने पाया कि देश सेवा का बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है, अगर आप ईमानदारी से काम करिए तो इसमें जितना सुकून मिलता है जितना संतोष मिलता है, ठीक है कष्ट तो है, जान के खतरे हैं, आप कहाँ चले जाएं, नागालैंड चले जाएं, पंजाब चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, कहाँ कहाँ आपको सरकार कहाँ भेज दे, कोई ठिकाना नहीं है, ठिकाना ऐसे लोगों का नहीं है जो मतलब हर आदेश को स्वीकार कर लेते, आजकल तो लोग बड़े जुगाड़ू बहुत होते हैं ना, अपने करियर प्लानिंग में लोग खुद ही करते हैं मैं यहाँ पोस्ट होऊंगा, इसकी प्लानिंग करते हैं फिर उसकी सिफारिश करवाते हैं और वहां जाते हैं, अब आजकल नई जनरेशन वेडिंग प्लानिंग की तरह सारी प्लानिंग होती है, तो वो नई जनरेशन बहुत होशियार हो गई, हम लोग तो मतलब उस जनरेशन के जो आदेश मिला भाई ठीक है चल दिए, अब इस तरह नौकरी बीतती गई। तो हमने अपने चूंकि कहीं कभी हमने पुलिस की शिकायत नहीं की, और हमारे बेटे ने देखा एक चीज देखा जो मुझसे कहता था, वो मतलब और लोगों को देखता था कि दूसरी नौकरी में जब गया वो, तो दूसरी नौकरी में देखता था कि लोग ट्रेड यूनियन बहुत है, सीनियर अफसरों को नीचे वाले गाली दे देते हैं और वो मिसबिहेव करते हैं, पापा के दफ्तर में तो लोग जाने में भी डरते हैं मतलब एकदम वो ऐसा माहौल रहता है कि सोच समझ के जाओ, लोग बल्कि पूछते हैं पापा इस सर का मूड कैसा है, हालांकि ऐसे मैं किसी को अनायास नहीं जानता था, लोग ये जानते थे कि भाई ये क्या सवाल पूछेंगे आपसे प्रोफेशनल, क्या सवाल आपके इलाके के बारे में, उनकी पूरी निगाह है, क्या सवाल पूछें कुछ ठिकाना नहीं, आपके पास हर सवाल का पता नहीं जवाब है कि नहीं, तो इस बात से लोग घबराते थे, ऐसे ऐसे मैं कोई पागल कुत्ते की तरह नहीं काटता था, ये जरूर जता देता था कि मेरी निगाह आपके काम पे और आपके आचरण पे दोनों पे, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं या पैसे बना रहे हैं, क्या बात, तो इससे लोग घबराते थे कि भाई इनकी ये तो खाली प्रोफेशनल बातें करेंगे और इनको आप किसी और तरीके से, आप ये चाहिए कि एक टोकरा सेब दे दीजिए और वो दे दीजिए या कुछ थैली पकड़ा दिए, ये सब चलेगा नहीं, खाली एक काम की बात करते हैं, तो इनको खुश करना भी बड़ा टेढ़ा था, इसलिए लोग घबराते थे मेरे कमरे में आने में। तो उसने बेटे ने देखा कि पापा कमरे में तो बड़ा रोब दाब रहता है, शान शौकत सब लोग बड़े उस अदब से जाते हैं, तो उसने कहा फिर मैं भी पुलिस की नौकरी करूंगा, हालांकि वो अहमदाबाद में से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से उसने IIM किया और MBA की डिग्री लिया, और तो फिर बाद में मैंने पूछा भाई तुम क्यों पुलिस में जा रहे हो, तुमने सोचा, उनका पापा मैं IIM की डिग्री तो मुझे मिल गई पर मैं टूथपेस्ट नहीं बेचना चाहता हूँ MBA करके हम टूथपेस्ट बेच रहे हैं, पॉलिनॉस बेच रहे हैं, ये सब साबुन बेच रहे हैं, ये सब क्या करना है, देश की सेवा करना चाहता हूँ मैं। उसने भी पुलिस की नौकरी करना उचित समझा।